ओम शांति। स्वयं का ध्यान हर बात से उपराम कर लें। स्वयं को मस्तक के बीच में विराजमान एक शक्ति, एक ऊर्जा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके सृष्टि पर कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मैं सदा ही अलौकिक नशे में रहकर समर्थ कर्म करने वाली समर्थ आत्मा हूँ। महसूस कीजिए, मैं मस्तक सिंहासन में विराजमान श्रेष्ठ महान आत्मा और ये पूरा शरीर लाइट का बन गया। अब मैं आत्मा अपना ये सूक्ष्म देह धारण कर साकार शरीर को यहीं छोड़कर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। सूक्ष्म देह में बैठकर उड़ते उड़ते तारा मंडल के बीच में से जा रही हूँ। तारा मंडल को नीचे छोड़ते हुए अति दूर मैं जा पहुंची सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म तन धारण किए मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में पहुंच कर यहाँ चारों ओर देख रही हूँ। बहुत सुखद शांत वायुमंडल है। मैं फरिश्ता यहाँ सूक्ष्म वतन में
चांदनी के प्रकाश के बीच में से आगे आगे बढ़ता जा रहा हूं। और सामने से आ रहे हैं बाप दादा, बाहें पसारे हुए। मैं फरिश्ता, फरिश्तों के सिरताज बाबा से बहुत प्यार से गले मिल रहा हूं। हम एक दो के प्यार में गहराई से समा चुके हैं। अब बाबा मुझे सामने बिठाकर मुझसे रूह रिहान करते हैं। मैंने कहा, बाबा आपने मुझे अलौकिक फरिश्ता बना दिया, साकार दुनिया में रहते हुए भी मेरा हर चलन हर कर्म फरिश्तों समान बना दिया। आपने मुझे हीरे तुल्य जीवन दे दिया, मेरी स्मृतियों को रूहानी बना दिया। प्यारे बाबा, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? आपने मुझे सदा समर्थ आत्मा बना दिया। बाबा मुझे अपनी गोदी में उठा लेते हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, तुम मेरे वारिस बच्चे हो, श्रेष्ठ महान आत्मा हो। आओ चलें, संसार की समस्त आत्माओं को और प्रकृति को पवित्रता के वाइब्रेशंस दें। बाबा ने सामने ग्लोब को इमर्ज किया और बाबा कहते हैं, पवित्रता के प्रकंपन फैलाओ। पवित्रता के वाइब्रेशंस एक एक आत्मा फील कर रही है।
वो स्वयं को भी अलौकिक महसूस करने लगी। और यही पवित्रता के वाइब्रेशंस पांचों तत्वों को भी मिल रहे हैं। सारा कायनात, सारा वायुमंडल पवित्रता के प्रकंपन से भर गया। मीठे बाबा, आपका पद्मा पद्म गुना शुक्रिया है, आपने मुझे इस सेवा के लायक समझा। और अब मैं फरिश्ता बाप दादा से छुट्टी लेकर वापस आ गया। ओम शांति।